धांधली ना वोट को इज्जत दो, चाहे हो तब्दीली सरकार चाहे पुरानी सरकार। ये है कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस, जहाँ ना होती है लड़ाई ना झगड़े। तो फैविदा की डायरी में आज देखेंगे कि कराची में, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस में हो क्या रहा है। तो देखते हैं फैविदा की डायरी में आज कराची प्रेस क्लब इलेक्शन। इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब की एंट्रेंस पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो डेमोक्रेट्स और यूनाइटेड पैनल वाले हैं उनके जो है वो डेस्क कुछ नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि कोविड है और कोविड की वजह से यहाँ पर भी बहुत सख्त SOPs फॉलो हो रहे हैं, और जो है सारे जर्नलिस्ट आपको बायोक्स में दिखेंगे और जो नहीं दिख रहे उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। गहमा गहमी अपने उरूज पे है कराची प्रेस क्लब इलेक्शंस पे, और मेरे पीछे डेस्क डेमोक्रेट्स का है और वहाँ आप देख सकते हैं कि लंच भी चल रहा है, लोग भी खड़े हुए हैं वोट्स देने के लिए। और जो है ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये डेमोक्रेट्स की साइड है जहाँ पे वो अपने वोटर्स के को बुला रहे हैं और उनके वोटर्स वहाँ से अपनी शीट्स वगैरह लेके अंदर जा रहे हैं वोट देने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड पैनल का डेस्क है और वहाँ पर भी क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक है तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वोटर्स आ रहे हैं और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को जो है वो वोट करने के लिए तैयार है। और अब हम ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब में वहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि इलेक्शन वोटिंग एरिया जो है वो बनाया गया है। यूजुअली जो है ये होता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर बेतहाशा सख्ती है और बहुत ज़्यादा SOPs फॉलो हो रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे जो है वो पूरी इलेक्शन का जो कमेटी है वो बैठी हुई है और वो मास्क जो है वो इज़ अ मस्ट, और मास्क के बगैर अंदर जाने नहीं दे रहे। और साथ साथ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ वोटिंग एरियाज भरे हुए, जहाँ पर हर बंदा एक वक्त में एक बंदे ने जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट करता है। लेकिन कोविड की वजह से जो है बहुत ज़्यादा सख्ती है, मैं भी मास्क उतार नहीं सकती, परमिशन नहीं मिल रही थी। और पाकिस्तान कराची प्लीज़ वेयर मास्क। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फरहान अभी तक, और जो है मैं उनसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है उनको कोविड में जो है वो इतना सक्सेसफुल इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए हैं कराची प्रेस क्लब, और सुबह से ये यहाँ खड़े हैं अपने पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इनसे करूँगी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है इलेक्शन 2020 फाइनली? देखिए ये बिल्कुल सही कहा, मैं सबसे यही कहता हूँ कि 2020 यही है और 2020 के जो शराइत हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। फास्ट बॉलिंग मिलेगी आपको, आपको भारी विकेट मिलेगी, आपको पिच भी भारी मिलेगी, तो उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सुबह से आप आएंगे, हमने इसको एक्सपेंड किया है, कोविड SOP को फॉलो कर रहे हैं। पहले जो सिटिंग एरिया हमारा अंदर होता था हमने उसको शिफ्ट कर दिया बाहर, कंपेन एरिया भी हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी वोटिंग का एक है जो भी बैकयार्ड में हमारे होंगे। हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मुल्क में भी चाहे लोकल बॉडीज़ हों या कोई और इंतखाबात हो, SOPs को फॉलो करते हुए बिल्कुल यकीनन हो सकते हैं। वो हमने मैसेज दे के आपने तमाम जी बिल्कुल मास्क पहने में, मास्क लाजमी है, मास्क के बगैर इलेक्शन कमीशन अंदर जाने नहीं दे रहा, ठीक ये आप उसमें। और मैं समझता हूँ कि हम डेमोक्रेट्स से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी गुज़िश्ता 15 साल से चल रही है, इस साल भी इंशाल्लाह। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट्स आज भी जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे? इंशाल्लाह ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सहाफ़ी, बहुत ही मशहूर शायर, सब आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मौजूद है फाजिल जबीली साहब, और ये इस बार डेमोक्रेट्स की जानिब से कराची प्रेस क्लब का सदर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं फाजिल जबीली साहब से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फाजिल जबीली साहब, कैसे कैसा लग रहा है एक बार फिर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ नहीं, एक बार फिर तो जाहिर है डेमोक्रेट्स लड़ रहे हैं, सदर तो आप है ना उनकी तरफ से, एक बार उनका उम्मीदवार मैं हूँ, और इससे पहले मैं 2015-2016 में भी दी डेमोक्रेट्स की तरफ से कराची प्रेस क्लब का सदर रहा। एक्चुअली ये एक रवायत है, जमहूरी रवायत, 1958 में कराची प्रेस क्लब मार्ज वजूद में आया था और उस वक्त से ले कर अब 2021 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि जब कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन ना हुए। तो ये एक बहुत ही यानी जो समझो कि मिसाली जमहूरी इदारा है और जमहूरी अमल है जो हर साल हम दोहराते हैं, और इसमें बहुत ही जमहूरी अंदाज में दोस्त इलेक्शन लड़ते हैं, एक दो पैनल बनते हैं
क्योंकि मेरा जो ग्रुप है वो है दी डेमोक्रेट्स जी, तो दी डेमोक्रेट्स को मेम्बरान का खास तौर पे पिछले 15-16 साल से जो एतमाद हासिल है कि हम लोग ही क्लीन स्वीप, ज़्यादातर क्लीन स्वीप कर लेते हैं डेमोक्रेट्स, बस से कई कई क्लोज कॉन्टेस्ट वो करते चले आ रहे हैं। तो इस दफ़ा भी उम्मीद है वो कि सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि कोविड है, तमाम तर जो है SOPs हैं उनके तहत ही इलेक्शन हो रहा है और जितना पोलिंग का अमल है वो भी पूरी SOPs के तहत हो रहा है। आप देख रही होंगी कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो मास्क पहने हुए हैं, वोटर्स भी जो आ रहे हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं और लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने गले मिलने से भी थोड़े बहुत गुरेज कर ही रहे हैं। अच्छा, और कितने चांसेस लग रहे हैं कि आप जीतेंगे? देखें, जब आप मैदान में उतरते हैं और ख़ासकर इलेक्शन के उसमें, तो हर उम्मीदवार जो है ये होपफुल होता है कि वो भी जीतेगा, उसका ग्रुप भी जीतेगा। लेकिन चूंकि माजी की एक रवायत को देखते हुए कि पिछले कई बरसों से हमें जो है जीते मेम्बरान का एतमाद हासिल है, तो इस बार तो भी मैं समझता हूँ कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो आपको हमें पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त जो है वो शाजिया हसद मौजूद है, जो डेमोक्रेट्स की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कराची प्रेस क्लब में जो है कॉन्टेस्ट कर रही है, और ये उनके पैनल में एक वाइट फीमेल है, और मैं इनसे पूछूंगी कि इनको ये पहले भी जो है वो प्रेस क्लब का इलेक्शन जीत चुकी है, तो अब मैं इससे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है और कितना मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट फॉर नाउ, देखते हैं आगे जाके क्या होता है मेरे कॉन्फिडेंस का हाल, मगर अभी तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। और जो आप कह रही है कि दो दफा पहले भी मैं जीत चुकी हूँ, exactly. मगर वो गवर्निंग बॉडी का था इलेक्शन, अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं तो कहती हूँ मेरी तरक्की हो गई, शायद उसमें मैंने भी अच्छा काम किया होगा। और एक फीमेल के तौर पे कैसा लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के जो है वो कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहती हूँ कि और लड़कियां फीमेल्स आगे आए। और प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पर ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं उनको कहते भी हैं तो वो शायद टाइम नहीं दे पाती हैं, वो खुद ही पीछे हट जाती हैं। यहाँ पे डेमोक्रेट्स का पैनल हमेशा मौके देता है, वो हमेशा बोलता है कि इनकरेज करता है, मगर आमतौर पे ये देखा गया है कि वो देखती है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो पीछे खुद ही हट जाती है। थैंक यू शाजिया, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट आप सब जानते हैं फहीम सिद्दीकी, जिनको मैं फहीम भाई बोलती हूँ, और जो है अब मैं इनसे पूछूंगी कि फहीम भाई को कैसे लग रहे हैं इलेक्शंस, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसा लग रहा है कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस? वालेकुम भाई भाई, कैसा लग रहा है इलेक्शन? ये हम इस प्रेस क्लब को आज़ादी सहाफत का गढ़ कहते हैं, आज़ादी इजहार राय की आज़ादी का गढ़ कहते हैं, तो आज बेसिकली हम अपनी आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर शख्स को ये राय का, अपनी राय के इजहार का आज हक है कि वो आए और प्रेस क्लब में आके अपने मुंतखब अपने पैनल को जो है वो वोट करें। ये जमहूरी रिवायत भी है कराची प्रेस क्लब की कि यहाँ कभी भी जब से ये क़याम हुआ 1954 से आज तक इलेक्शन डिले नहीं हुए, बहुत एक दफ़ा से जब जिस साल जो है बीबी शहीद का वाक़ हुआ है उस साल हमारे इलेक्शन थोड़े से डिले हुए थे, वो भी एक वजह थी। तो ये हमारी एक जमहूरी रिवायत है, हर साल ये गहमागहमी होती है, दोस्त दो पैनल बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत मज़ा आता है। इस साल भी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम यूनाइटेड पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड पैनल के जो सदर के कैंडिडेट हैं वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दो मरतबा सदर हैं, जो कराची प्रेस क्लब के कई मरतबा सदर हैं, उनकी एक बड़ा ही रोशन माजी है उनका, उन्होंने कराची प्रेस क्लब के लिए जो खदमात अंजाम दिए हैं उनकी मौजूदगी में हम ये समझते हैं कि जो कराची प्रेस क्लब के अरकान हैं उन्हें मुंतखब करेंगे, उनके पूरे पैनल को मुंतखब करेंगे, और जो हम चाहते हैं कि कराची प्रेस क्लब का एक वक़ार एक इज्जत बहाल हो, तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो बहुत मदद कर। अच्छा, फहीम भाई, ये मैं अभी जो है फैजाद से भी बात कर रही थी, शाजिया से भी, फाजिल जवेली साहब से भी, कि एक जो हमारी एक बड़ी रिवायत है ना हम सहाफ़ियों की और स्पेशली कराची के सहाफ़ियों की, कि जो हमारे इलेक्शन होते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट, पिछली बार बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट किया और जो है उसके अलावा भी बहुत क्लोज कॉल्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हम आपस में इल्ज़ाम लगाते हैं, ना जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो करते हैं कि वोट को इज्जत दे दो या जो है तब्दीली सरकार ले आओ या चार हल्के खोल दो। आपको नहीं लगता ये सब कुछ हमसे जो है कुछ लोगों को सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, हमारे नज़दीक कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक दिन का इलेक्शन होता है और इस दिन भी हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ पैनल बना के ज़रूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही हंसी मजाक हो रहा होता है, वही एक दूसरे साथ खाना पीना हो रहा होता है, हंसी मजाक हो रहा होता है, तो यकीनन
इस मुल्क की दीगर जो जमहूरी कुव्वतें कहलाने वाले नामनिहाद अलमबरदार हैं उनको चाहिए कि वो हमसे सीखें कि हम किस तरह से जमहूरी रिवायात को लेके आगे चलते हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफ सिर्फ एक दिन का इख्तलाफ होता है और वो भी सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तौर पर सहाफत की क़यादत कर सकते हैं, सहाफियों की क़यादत कर सकते हैं, इस प्रेस क्लब की खिदमत कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। अदरवाइज़ जो लोग जीत कर आते हैं हम उन्हें भी वैसे लेकर अगले साल इलेक्शन तक हमारे मुंतखब अहदेदार होते हैं। मेरे साथ इस वक्त यूनाइटेड पैनल की जानिब से जो कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वारी साहब, वो मौजूद हैं और मैं उनसे पूछूंगी कि कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस, कोविड और जो है वो यूनाइटेड पैनल, तो कैसा लग रहा है उनको? जी सर बताइएगा। देखिए जहाँ तक वायरस का ताल्लुक है, वायरस तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इंटरनेशनली है उसके तो मसाइल। अगर लोग घर बैठ जाएँ और अपना काम छोड़ दें तो पूरी दुनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का कि उन्होंने कहा कि ये एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए, एहतियात किया जाए। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर एहतियात के साथ पूरा जो SOPs है उनको फॉलो हम उसकी पाबंदी कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो 3-4 रोज़ से एक्टिव वैसे खुद हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि जो है ये वाइब जो आ रही है कि आपके जो आपका डेस्क है उस पर भी बहुत रश दिख रहा है, दूसरी जानेब भी दिख रहा है, तो एक बड़ा पॉजिटिव सा बड़ा लग रहा है कि कंपटीशन जो है वो लास्ट टाइम की तरह क्लोज होने वाला है। तो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी फील आ रही है कि वह अच्छा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा इस बार? नहीं, इलेक्शन तो यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट ही होते हैं जी, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाते हैं कि वो यहाँ अमूमन दो ही ग्रुप होते हैं जी, जी तो पावर में होता है एक दूसरा, बाहर तो टफ फाइट होती है यहाँ पर काफी जी। लेकिन असल चीज़ जो है वो सबसे बड़ी ये है कि कराची प्रेस क्लब जो है जमहूरी इकदार का रिवाज एक तारीख है, और वो तारीख सबसे बड़ी मैं बताऊँ कि मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैं यहाँ पर पहले भी रह चुका हूँ जी, कि कराची प्रेस क्लब का फादर वॉज कई हुई है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पहले हमारी वो बनी थी, उन लोगों ने कोशिश करके ये बनाया और अब कराची प्रेस क्लब जो है इज़ मदर ऑफ ऑल दी प्रेस क्लब इन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि 70 के बाद से इस प्रेस क्लब का जो रोल बना उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में सारे प्रेस क्लब अपना एक्टिव हो गए। अदरवाइज प्रेस क्लब एक ऐसी जगह होती थी कि वहाँ आदमी चाय पीने जाता था अपना बात गुजारने के लिए। अब जो है यहाँ लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, इशूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, सेमिनार्स होते हैं, प्रमोशन जर्नलों के वर्कशॉप्स होती हैं, तो उसके नतीजे में प्रेस क्लब एक तो एक इसका एक रोल जो अहम है वो ये है कि ये काफ़ी अरसे पहले तक एक फैमिली क्लब हुआ करता था जी, के बच्चे जो मेंबर होते थे क्लब के वो अपने बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ जाते थे और अपने काम पर चले जाते थे, और फिर आगे अब रश बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो उसकी वजह से कुछ इसका कल्चर तब्दील हो गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका वक़ार जो है हमेशा रहे, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि मुझे प्रेस क्लब Washington DC में जाने का इतफाक़ हुआ था, मैं जब प्रेसिडेंट था तो वहाँ मुझे वहाँ के सेक्रेटरी में गया हुआ था, तो मुझे उन्होंने लंच पर बुलाया था, तो उसकी हिस्ट्री और कराची क्लब की हिस्ट्री जो है बिल्कुल यकसा है, उसका भी बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमारा है बैकग्राउंड। तो इसका मैंने जिक्र भी किया, हमारी जर्नलिस्टों की आ रही है उसके अंदर थोड़ा बहुत जिक्र है। मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मेरी कुछ किस्मत ही कि मेरे साथ खड़े हुए मुजाहिद बरेलवी साहब, और मैं उनसे पूछूंगी कि सर वो सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को और उन्हें KPC के इलेक्शंस और वो सब वाइब कैसा लग रहा है सर? देखिए मैं तो खुद तकरीबन 40 साल पहले वोटर बना था, 35 साल पहले जॉइंट सेक्रेटरी रहा और फिर, लेकिन ये है कि नेचुरली जब स्क्रीनों पे आना हुआ यहाँ इलेक्शन से ज़रा दूर हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसा साल नहीं जाता कि मैं वोट ना डालूँ। और ये जो एक हमारी जमहूरी रिवायत है प्रेस क्लब की, हम चाहे जीतें या हारें लेकिन मेन हमारा इंस्टीट्यूशन है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो इंस्टीट्यूशन जो है उसमें डेमोक्रेसी को तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये जो पॉलिटिशियंस है उन्हें जो है हम साफ भी हो गए चलो इल्ज़ामात लगाने के अलावा कुछ हमसे कुछ अच्छी रिवायात ले लेनी चाहिए, कभी हम पे लिफाफे की, हम पे बूट पॉलिश की और जो है और बहुत कुछ जो है वो लगाते हैं इल्ज़ामात, तो जो है क्या हमारी ये एक इतनी अच्छी रिवायत जो है क्या उनको नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए? देखिए एक उसमें बात यह है कि जो सियासतदान है या सियासत है
उसका जो है वो तो जो आपको है इल्म है कि जो वफादारियाँ तब्दील करना, जो कोई उनकी आइडियोलॉजी को वो नाइट चेंज कर देना, यहाँ हमेशा ये ठीक है कि दो ग्रुप लड़ते हैं, लेकिन प्रेस क्लब जो है वो कोई हमारी कोशिश ये होती है कि इसको हो के तमाम सियासी पार्टियों को और सियासी लोगों को वेलकम किया जाए, लेकिन वो नज़रियाती उसका शिकार ना हो जाए कि हम अपने मुखालिफिन को वो कहती जो सहूलतें ना दें जो दूसरों को जो हम अपने को देते हैं। मेरे बारे में कहूँगा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक मीन्स को प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा लग रहा है इलेक्शंस, केपीसी के इलेक्शंस? केपीसी के इलेक्शन बेसिकली एक फेस्टिवल है तमाम सहाफ़ियों के लिए। जब इलेक्शन आते हैं तो एक गहमा गहमी की सूरत हाल होती है, गो के देना वोट उसी को होता है जो आप माइंड बनाकर आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो क्योंकि सारे ही दोस्त हैं हमारे, तो अच्छा लगता है जब हमें खेचातानी हो रही होती है जी हमें वोट दें हमें वोट दें, और फिर हम वोट कास्ट करते हैं और हमेशा उस क़यादत को हमने चुना है जिसने अच्छा किया है सहाफ़ियों। आप किसको वोट दे रही हैं, बताएगी? मैं देखिए डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती हूँ और डेमोक्रेट्स को ही मैंने वोट दिया है, जिसके लिए मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस क्लब के लिए काम किया, उनके डिफरेंट जो कमिटीज़ बनती हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और ख़ास करके सहाफ़ी को एक छत चाहिए होती है क्योंकि इतनी सैलरीज नहीं होती, तो डेमोक्रेट्स ने वो वाले काम भी किए हैं जैसे इनके प्लॉट्स पर कब्जे हो गए वो तक छुड़वाए, तो एक आसूदगी लाने के लिए काम कर रहे हैं कि उनके बुढ़ापे जो हैं वो अच्छे गुजरे। अच्छा, थैंक यू। अच्छा दादरा, सबसे एक बड़े मज़े की बात होती है कि इलेक्शंस में जो है हम जो नॉर्मली देखते हैं खींचा तारियाँ, लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम, कराची प्रेस क्लब के इलेक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं फहमीदा, मैं विटनेस हूँ, दो इलेक्शंस मैंने लाहौर के भी कवर किए हैं और वहाँ मैंने जिस तरह से देखा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बहुत सीरियस हो जाते हैं मामला, उनके हाँ उनके ईगोइश बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हंसी मजाक हल्के मूड में आपस में सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो जीतेगा वो भी, जो हारेगा वो भी ना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये काबिल काबिलियत की निशानी है। बिल्कुल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के बहुत ही मशहूर हेल्थ रिपोर्टर, COVID-19 में क्लेम टू फेम COVID-19 हामिदुर्रहमान ऐवान साहब, और ये इस वक्त मेंबर जो है वो गवर्निंग बॉडी के लिए कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, और मैं इनसे जो है फाइनली आज पूछूंगी कि कैसा लग रहा है। चालीको हामिद भाई, कैसा लग रहा है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आप? इलेक्शन ज़ाहिर है एक खुशी की बात तो है, और इलेक्शन में हिस्सा लेना एक मुश्किल मरहला होता है क्योंकि आपको अपने काम के साथ आप जो ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं ज़ाहिर है इसको भी जो है इसमें आपने हिस्सा लेना है, तो काम को भी मैनेज करना है, घर वालों को भी टाइम देना है और फिर प्रेस क्लब को भी टाइम देना है। गो के KVJ में काम किया है, मैनेज भी किया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक मुश्किल काम होता है, इसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं और कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं, तो ये चलता है, मिक्स प्लेट होता है बस। तो वोटर से वादे किए? नहीं, वादे नहीं किए, नहीं किए, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए नहीं किया कि हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, वादे वो करते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं। आप जब काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है डेमोक्रेट्स ने प्रेस क्लब को जो दिया है वो सबके सामने है, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली क्लब बनाया है उसको, और फैमिली क्लब बनाने के बाद जो सारी एक्टिविटीज़ है वो भी सबके सामने है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आज आप क्लीन स्वीप कर लेंगे? इंशाल्लाह, 12 साल से कर रहे हैं और इस साल भी क्लीन स्वीप करेंगे। 12 साल से जो है कराची प्रेस क्लब में कोई तब्दीली नहीं आई है, और मुझे जो यहाँ के वाइब लग रहा है उससे ये लग रहा है कि इस साल भी तब्दीली नहीं आएगी। उसमें एक बात ये कि देखें, ये एतमाद है प्रेस क्लब के मेंबर्स का डेमोक्रेट्स पर, जो मुसलसल 12 साल से इसको कामयाब करते आ रहे हैं। डेमोक्रेट से ज़्यादा ये इन मेंबरान की जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने डेमोक्रेट पर एतमाद किया है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चले फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या हो रहा है कराची प्रेस क्लब में। बिजनेस रिपोर्टिंग की बात हो और कराची में रिजवान भट्टी का नाम कोई ना जानता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस वक्त मेरे साथ मेरे बहुत ही फेवरेट, मेरे बहुत ही अपने रिजवान भट्टी मौजूद है, और वो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के लिए सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, तो मैं उससे बात करूँगी। सालिको रिजवान भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताएं कैसा लग रहा है, इलेक्शन लड़ रहे हैं आप सेक्रेटरी के लिए, तो जबूरी रिवायात COVID-19 और सब कुछ कैसा लग रहा है इलेक्शंस? इलेक्शन तो हर साल लड़ते हैं, दोस्तों को लड़वाते हैं, लेकिन इस साल ये है कि मैं खुद लड़ूं, थोड़ी सी मुश्किल ये है कि कोविड है, लोगों से जो कोविड के इशूज से मिलना जुलना होना, हमारा कंपेन उस तरह नहीं चली जिस तरह चलती थी पहले। पहले हम दफ्तरों में जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो लोग बैठे होते थे काम कर रहे थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो लोग कम थे। ज़्यादा जो मुहिम चली सोशल मीडिया पर चली, चली
तो उसकी मुश्किलें, लेकिन ओवरऑल जो अभी जो हम देख रहे हैं मेंबर्स आ रहे हैं वोट भी डालने, और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक इंशाल्लाह अच्छी काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, और बहुत मतलब रश रहा है और सारे सहाफ़ी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, सब ने मास्क लगाया हुआ है, कोई जो है वो किसी किस्म की भी कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही और सब जो है वो कर रहे हैं। और आपको कैसे लग रहा है, आपने अपने वोटर्स से वादे किए हैं? मेरे सारे जो है वो पूछे नहीं किए, मैं तो ये कहा कि जो मीडिया को चैलेंजेस हैं उसको हम एड्रेस करेंगे, जो भी मीडिया को चैलेंजेस हैं। उसके अलावा इस क्लब को हम एक फैमिली क्लब बनाएंगे, मैं तरजीहत में शामिल होगा कि हमारा मेम्बरान से इंट्रैक्शन बढ़े, उनके जो बेसिक इशूज़ हैं उनको मजबूत करते हैं। अच्छा, और जो बेसिक इश्यूज़ है उनको जो है आप हल करें, तो सबसे बड़ा बेसिक इशू जो है वो सहाफ़ियों का, आपको पता है कि जो है वो उनकी जबरी बरतरफिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है इतना सख्त जो है वो पाबंदी है, तो ये इन चैलेंजेस को देख रहे हैं इस वक्त मीडिया की मुश्किल हालत से गुजर रहा है जी, और इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, मीडिया का पूरा मीडियम चेंज हो रहा है, पहले अखबार से फिर टीवी आ गए, अब सोशल मीडिया, तो इसी तरह में हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जो जॉबलेस हुए उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि जो नई मीडियम आए उनको अख्तियार कर सकें। असल इशू इस वक्त काम ही है, स्किल डेवलपमेंट हो हमारे। अच्छा, और ख्वातीन के लिए क्या सोचा है आपने, अपनी ख्वातीन मेंबर्स के लिए? मैंने हमने ही सोचा कि हम क्वार्टर में एक फोरम लाजमी करेंगे ख्वातीन के लिए, हर क्वार्टर में एक ख्वातीन का बड़ा मीट होना चाहिए, बाकी हम चाहेंगे ख्वातीन यहाँ पर आएँ, ख्वातीन का ऑलरेडी एक रूम मौजूद है यहाँ पर, वहाँ पर वक्त बैठे हैं, उसको मजीद डेवलप कर देंगे, मजीद ख्वातीन से कोऑर्डिनेशन करेंगे मेंबरान से, वो जो जिस तरह तजावीज़ मिलेंगी हमें उसको हम फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखारी, और ये सपोर्ट कर रहे हैं फौरा चेंज, और बल्कि फौरा चेंज नहीं हमेशा करते हैं, यूनाइटेड पैनल को, और मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपका पैनल, यूनाइटेड पैनल? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े कॉन्फिडेंट है, और सबसे अहम बात जो प्रेस क्लब की रिवायत है जमहूरी रिवायत, वो तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद भी बरकरार है। अच्छी बात यह है कि जर्नलिस्ट यहाँ पे तमाम कोलीग्स एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, जो कोविड की वजह से जो मुश्किल हालात है, बट उसके बावजूद भी जो प्रेस क्लब की जमहूरी रिवायत है उसको हमने आज भी बरकरार रखा। आप क्यों नहीं लड़े इस बार इलेक्शन? मैं क्यों नहीं लड़ा, देखिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, जब आप कमिट करते हैं अपने साथियों की सर्विस के लिए, उनकी खिदमत के लिए, जब आप इलेक्शन में आते हैं तो आपको एक कमिटमेंट के साथ आना पड़ता है। अगले डेढ़ दो साल, क्योंकि मेरी बीट स्पोर्ट्स की, और मुझे अंदाज़ा है कि अगले डेढ़ दो साल बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है स्पोर्ट्स पे, तो मैं प्रॉब्ली वो उस तरीके से टाइम नहीं दे पाता जिस तरह मेरे पास इस साल 2020 के लिए वक्त था। मैंने पिछली बार कंटेस्ट किया था, वोटर्स ने जितने भी वोटर्स ने एतमाद किया, मैं उसका आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बट ये कि ये देखते हैं ना कि आगे कितने कमिटेड है, कितने कमिटमेंट दे सकते हैं, कितना वक्त दे सकते हैं, ये एक। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है वैसे मुझे तो, यहाँ जो वाइब्स लग रही है बड़ा क्लोज लग रहा है, वहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, और जो है वो आपको कैसा लग रहा है यूनाइटेड पैनल के चांसेस कितने लग रहे हैं? मेरिट मैन के देखिए, जब भी इलेक्शन में जाते हैं तो कॉन्फिडेंट तो होते हैं, अगर कॉन्फिडेंट ना होते तो फिर इलेक्शन में जाने का मकसद ही फौत हो जाता। तो अब लेट्स सी के वोटर्स किस पर एतमाद करते हैं, किसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप है उनको एक और टेन्योर देते हैं या चेंज की तरफ वोट करते हैं। अच्छा, लेकिन फैजान एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि जो है जो हमारे इलेक्शन होते हैं वहाँ पर जो है वो कोई जीते हारे जो भी हो, लेकिन जो है वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम दराशियाँ लगाए और इस तरह की बातें करें। ये एक बड़ी एक बहुत अच्छी रिवायत है हमारी, जो शायद जो है वो हमसे सीखनी चाहिए। देखें, ये पूरी दुनिया को, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान को हमें चाहता है कि किस तरह से हमें पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, जो तरीक़ाकार जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, एक ठीक है इलेक्शन का एक कॉन्टेस्ट होता है, अपनी अपनी बातें करते हैं, अपने अपने मंशूर सामने रखते हैं, और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं वो चलते रहते हैं, बट देखिए जो सबसे अहम बात यह है कि मीडिया का प्रोफेशन जो ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम हम अपने घर वालों से ज़्यादा वक्त अपने कोलीग के साथ गुजारते हैं। मैं यूनाइटेड पैनल के साथ खड़ा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो डेमोक्रेट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुलेमान सादत मेरा कोलीग है, बहुत अच्छा दोस्त है, इनफैक्ट रिजवान भट्टी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शाजिया जो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट डेमोक्रेट से, वो हमारे लिए बड़ी बहनों की तरह है, हमारी फील्ड से है, तो ये एक ऐसा ही ताल्लुक है, घर जैसा ही ताल्लुक है, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे यूनाइटेड हो, अल्टीमेट कॉज प्रेस क्लब की सर्विस। थैंक यू सो मच फैजान, थैंक यू। चाहे यूनाइटेड पैनल जीते चाहे डेमोक्रेट्स पैनल जीते, कराची प्रेस क्लब की खूबसूरत रिवायत हमेशा कायम दायम रहेगी, और ये इस बात का बजर भी है कि हम सहाफ़ी, कराची के सहाफ़ी जो है वो हक जमहूरी इकदार पर बहुत ज़्यादा जो है कहना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, और
ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द पैरल्स. ये था फैबिदा की डायरी में आज कराची प्रेस क्लब से इलेक्शन स्पेशल. तो देखते रहिए फैबिदा की डायरी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी यूट्यूब पर. We'll be right back.